भाई यार तू तो थाली गर्लफ्रेंड ने जगह जगह घुमावा जा यार भाई डेटी जे यार मान नहीं गंजे फिर काय करू घुमाणो पड़े जे यार यार मार गंदो अतरा पैसा भी कोने यार तन ध्यान है यार बार पिछला महीना का मान यार पिताजी की तबीयत खराब हो गई जो भी कमाने लगा दियो जो पैसा अरे यार बार बार जिद करे भाई कि मैंने घुमा तो अब बता मैंने क्या घुमा दादा भाई रबा दर मैंने 20 दिन कोई यार दो मारे कमरा पर आ जाब रूम पर आप प्लाट पर अरे प्लाट पर कहीं जीव आ जाओगी यार बा थाली गर्लफ्रेंड है ना बा कुरेड़ करे छे यार बा माली ने और भड़कावे छे यार मान मां आज अंडे बुलाई छु मिल बा जिसु तो मैं तन फोन कर रही फिर बुलाई छु भाई अंडे यारी छे बा धोनी अच्छा अंडे यारी छे की हां मारी बात सुने दादा भाई तू ने जो बन भड़का जे मत कतई भाई का पप्पू गना तेरा पैसा कोना भाई को घुमा बले जा सके तन ध्यान नहीं यार बा न्यू चैनल खोली जो पूरा पैसा ही बीमे लगा दिया यार हाँ वो तो मन भी ध्यान से काम तो सारा ही साथ ही कर रहा जाग जो तू तो यहाँ कर जे कहीं पैसा ऐसा की जरूरत रहो ने तो मन बोल दे बुगर फोन कर दे बुगर तू तो बस हाँ यार भाई थोड़ी सी हेल्प कर बुगरे यार फिर कहेंगे मारकन कहेंगे दूसरी गर्लफ्रेंड भी कौन है ना भाई मुँह भी ना पटा सकूँ यार अरे दूसरी कहीं तू तो एक कमाड़ा ही पूरा दिमाग एक पर जाट रहे दूसरी कडाऊ सेट है बता रहे यार मारी जे आई डोंट बिगन नोट चिंता तो यार थारकन पीसा चाहिए यार मेन तो पीसा चाहिए थारकन मारकन पीसा कौन बात खत्म साहब देख लेना वो तो फिर तू पैसा टकाएंगे टेंशन मत ले वो मत सोच तेरा मां भीड़ से जता तू टेंशन मत ले यार हां तो पप्पू है जतरा तू भी टेंशन मत ले तारा पूरा साथ दे हूं सो को तो फिर बना आप आधा आज फिर बासु बात है नहीं बैटरी करा ना हां सुन हां बोल मैंने तुझे आज यहां पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने ना आज उसके घर पे यानी उसका जो फार्म हाउस है ना वहां पे उसने पार्टी की अच्छा तुझे पता है तेरे लिए सरप्राइज है मेरे लिए हाँ क्या सरप्राइज है पहले बता बता दूँ पक्का पक्का बता है उसने ना तेरे बॉयफ्रेंड को भी बुलाया है वहाँ पे सच्ची यस अच्छा। मैंने कहा यार ना आप है ना उनको भी बुला लो तो दोनों वो भी दोनों फ्रेंड है और अपन भी दोनों फ्रेंड है तो क्यों ना अपन सब मिल के एक साथ इंजॉय करेंगे अपन क्या आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो अपन थोड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ पे आज चिल मारेंगे एकदम एंजॉय वाला मूड है यार पता है मेरा बॉयफ्रेंड है ना बहुत खर्चा करता है मुझ पर बहुत अभी भी देख उन्होंने पता है मेरे को है ना माँ वो कौन सा मॉल है जीटी मॉल में उन्होंने मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराई कि हम बहुत 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 जगह पर घूमे तू तेरे बारे में कुछ नहीं बता रही तेरे बारे में तो भी कुछ बोल क्या बताऊँ यार मेरी तो पूछ ही मत क्यों मेरा वाला तो कहीं घुमाने ही नहीं ले जाता मेरे को ऐसा क्यों हमेशा बोलता है कि यार टाइम नहीं है बिजी हूँ मैं और कुछ कहती हूँ शॉपिंग वगैरह करा दे जो भी मना कर देता है कि अभी नहीं यार पैसे नहीं है वो नहीं है हर बात पे चिक 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 अरे यार ये कैसा बॉयफ्रेंड है तेरा सुन अभी चल रहे हैं अपन वहीं पे दोनों आएंगे तेरे बॉयफ्रेंड की खबर लेते हैं ऐसा क्यों करता है वो तेरे साथ और नहीं तो क्या यार गलत बात है ये तो पर तुझे कहीं ले जाना चाहिए ना उसे कहीं नहीं ले जाता तो तू कुछ बोलती नहीं है उसे बोल के थक गई मैं तो ऐसा कैसे हो सकता है चल वहाँ पे चल के बात करते हैं तू ही समझा देना बिल्कुल मैं समझाऊंगी उन्हें ना मैं उनको बोलूंगी वो उनको बोल देंगे वो अच्छे से समझा देंगे क्योंकि वो उनका फ्रेंड है ना इसलिए तो चले चल आ जा चल ये देख पप्पू मेरी वाली का तो मैसेज आ गया वो नजदीक ही आ गई हाँ आने दे यार उसके साथ में तो मेरी वाली है ना हाँ साथ आ रही दोनों मैं तो कहीं अकड़ा चूक और मार के नहीं हिंदी में बोले थाली हिंदी बोले जो मार गन तो मारवाड़ी में कर बोगने बात है मैं भेज दीजिए भाई साल ठीक ही आ जाओ ना हाँ आएगी वो तो जवाब न देरी आ गई मतलब हाँ यार थाली कटा की शहर है कोटा की जाए अच्छा अच्छा हाँ यार माली भी केकड़ी की से हाय बैठो हाय ये यहाँ पे बिठाओगे क्या नहीं आज यहीं पर ही बिठा दिया ये माचा है दादाजी का दादाजी लेटते थे इस पे जो भाई आ रहे थे घर में अच्छा और तो बताओ इनका कैसा चल रहा है बात हुई थी क्या सानिया से फिर अरे बात तो हुई थी ना मेरी वो आपके दोस्त के बारे में कुछ शिकायतें कर रही थी यार मुझे अच्छा नहीं लगा रात को मेरे को भी मैसेज आया था सानिया का गुड नाइट बोलने के बाद में कुछ जवाब नहीं दिया फिर मैं समझ गया था भाई कुछ ना कुछ लफड़ा है नहीं लफड़ा बहुत वो ऐसे बोल रही थी ना आपके दोस्त उसको कहीं ले जाते भी नहीं है कहीं घुमाते भी नहीं है तो यार उनको थोड़ा बहुत तो ऐसे करना चाहिए ना जब भी तो उसको कुछ अच्छा लगेगा वो तो
थोड़ा बिल्कुल कहीं ले जाती ही नहीं है। अरे यार अनीता तुम समझा करो, वो गरीब आदमी है, अपने को अपने हिसाब से टैकल करो, उसको समझा दो भाई। अरे यार तुम्हें वो ही तो बोलना चाहती हूँ, आप उनको सपोर्ट करो ना, आप आपके साथ रखो ना उन्हें। बिल्कुल मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको, मैंने बोल दिया भाई जो भी तेरे को पैसा चाहिए वो मेरे को तू बोल दिया कर या मैसेज कर दिया कर तेरे पास। इसीलिए तो आपने जैसे भी मुझे मैसेज किया मैंने उसको तुरंत ही मैसेज करके उसको मेरे साथ यहाँ लाने के लिए एग्री कर लिया। अब आप है ना उनको समझाना। ओ तुम, मैं समझा दूंगा। और आप पप्पू को समझाइए ना। और तबीयत तबीयत ठीक है मेरी? तो बढ़िया है, मुझे आपको बहुत याद आती है पप्पू। मुझे भी आती है यार, तो पर क्या करें अब यार, मिलना नहीं होता ना इसलिए। आप भी ना आपकी दोस्त की तरह हो ही जा रहे हो। अरे यार मैं वो पापा के काम से मैं ऑफिस चला जाता हूँ और फिर टाइम नहीं मिलता और ऑफिस में मोबाइल भी नहीं रहता। चलो ठीक है, अब उन दोनों से उनके हाल चाल पूछते हैं। चलो ठीक है ना, चलो अपन इनसे बात करते हैं। आप पप्पू से बात करो। तो मैंने बता ही दिया तेरे को भाई पैसे वैसे की, तू टेंशन मत करा कर और बात कर ले तेरे हिसाब से। तो ठीक है फिर घुमाने के लिए बोल दो इसको। हाँ घुमाने के लिए बोल। हाँ तो बोलो बेबी क्या हुआ? क्या सुनाऊँ बेबी मैं? तो कहीं तो सुना फिर, अति दूर आई है तो यहाँ ठलाई टांगड़ाई थोड़ी से। तो मैं ना कोई बात सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ जी सुना तो सुना भाई, खातर तो बैठी छूटा काम धंधा छोड़ रही हूँ जो मार्ग मैंने आज खा देनों से। क्या सुनाऊँ, तो कहीं घुमाने ले जाते हो क्या तुम मुझे? कहीं नहीं ले जाते हो। तो मैं ये कह रही हूँ भाई, आपने नाडी पर की तालाब पर क्यों बार तो पानी भी खूब पेड़ो एड़ो जो भाई ना बा जाती बेटा। उसमें क्या डूबू मैं? नहीं वो टोंप लिया चलता पर ट्रैक्टर को कुछ नहीं लेगा ना मुझे। मुझे तो है ना आप है ना स्विट्जरलैंड घुमा के लेके आओ। अच्छा अच्छा सूजी ले रहा हूँ, तो सूजी तो हटाऊ मिल जाती दुकान को, पर मैं ले दे दू एक किलो खंड। सूजी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। तो फिर कोई सिटी है स्विट्जरलैंड। अच्छा जो आ कैटेगरी है अपने गाँव का पहले साइड में ये है ना इंडिया से बाहर है। अच्छा अच्छा जो आपने अटक होने के मतलब आसपास में नहीं, अपने इंडिया में नहीं है ये। तो यार बाबू तुम्हारा बारा का मायना थोड़ी घनी तो सोच है, बारी है जो जुआर का मायना है जो 45 किलो तो खात लागो चाहे जो खात को कट्टो भी है ना जो कोई उधार फिसा ले गयो जो आपने कोई आसपास में देख लो कोई बिसलपुर बांध भी ले चाल तो तने तो बटे भी बाढ़ आ गयो जो कटे भेजा हुआ मैंने यू भी डर लागे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो स्विट्जरलैंड ही जाना है, बस आप मुझे वहीं ले जाओगे। अरे यार पप्पू उसकी तो क्यों टेंशन कर रहा है, मैं ले चलूंगा तुझे स्विट्जरलैंड, वहां पर हम तीनों चारों वहीं घूमेंगे। अरे यार तो भाई चल मैं समझूंगी, चल बाबू मैं ले चलो तुम स्विट्जरलैंड है ना। नो डोंट टच मी ओके। अब देख ले यार महावीर ये कुरेल करे चा भाई के सोगन हमारे कते कौन पोसा यार हाथ को नेड़ा बदे यार। अनीता तुम समझाओ इसको तुम्हारी सहेली को यार। क्या हो रहा है सानिया? अरे यार किसी चीज को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। तो क्या बात हो रही है? नहीं अनीता जी कुछ बात नहीं हो रही है, वो तो कहेंगे अभी इन्हें कह दियो भाई स्विट्जरलैंड भी ले चालो पर आ रिया तो मानने को कोई बात अरे नहीं। तो आप प्यार से बोलो ना कि बेबी आपको लेके चलेंगे स्विट्जरलैंड। अब देख जो कहा के सामने बोलो ना बेबी मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले चालू। नो अब देख ले आ तो आए कर नो। तो भाई यार तू इसको बोल दे भाई पैसे वैसे की कुछ टेंशन मत कर, तू तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो एक रुपया भी मत लेके चलना घर से। भाई जीजे के सोगन होटल के मायने दाल बाटी भी मैं खुआ मत। नो आप है ना 1,00,000 रुपए साथ में लेके चलना बस। जो बर्बाद हुआ मैं तो था मतलब तो यो तू वहाँ पर कोई है ना पाव भाजी खाने नहीं जा रहे हैं। अरे उसको छोड़ तू 1,00,000 या 2,00,000 3,00,000 जो भी चाहेगा वो हो जाएगी व्यवस्था। आप तो घूमने की तैयारी करो और चलो कहीं पर भी चलो घूमने चलो। अरे तो पटेल बात मैंने भी ध्यान चाहिए कि फीसन की व्यवस्था तो हो जाए, पर तो कहीं पाचा को ले लो कि मार करो कटक घस घस से चुकाऊंगा तने। अरे दे देना तेरे हिसाब से, मैं तेरे पास मांगूंगा नहीं, जब तू कमाए ना तब दे देना। बेबी मेरी बात सुनो ना। हाँ सुना। मुझे है ना शॉपिंग वगैरह भी करा देना वहाँ पे, और ड्रेस वगैरह भी दिला देना, और इयररिंग्स भी, और बहुत कुछ खाएंगे भी, मोर नई नई जगह देखेंगे। तो है ना आप सुनो तो सही। हाँ। 1-2 लाख और ले लेना साथ में। तारो के बा मतलब वो है बा के बा मतलब पहली घर का मारे सगाई करिया चा जो 5 बीघा टुकड़ी जी का मायने 5 बीघा का मायने 4.5 बीघा तो पहली बच गई बग्गी और अब जो आधा बीघो बची चाहे जो बार ई का मायने बग जावा। अरे तो कहीं कह रही थी बार पहली भाई बेरिंग ले हुआ था अरे कहीं कोई टोंप कट गया कि जो बेरिंग गाल ली था रहे हैं। नो यार महावीर ने समझा रही यार आप बेरिंग लुआ बाकी कह रही थी अब। अरे यार सानिया तुम मान क्यों नहीं रही हो ये खैर आज वैसे मान लो आप यार। मैंने कौन सा
गलत कहा है, कभी तो मैं तो कभी कभी तो कहती हूँ, कभी कभी मैं नहीं ले सकती। चार पांच रेशम मंगा दिया यार, तो कोई जीजी को मारो थोड़ी बढ़ने वाला पान बैठा। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू हर वक्त ये कॉमेडी क्यों करता है यार? ये जो कह रही है वो मान ले, तेरा क्या जा रहा है, मैं उठा रहा हूँ ना खर्चा तेरा। अरे यार तेरे को तो कॉमेडी लग रही है यार, मेरा इतना बजट नहीं है यार, और तू भी देगा तो कभी ना कभी तो लेगा ना वापस। अरे तू तब लग जाएगा नौकरी वोकरी तब दे देना। अच्छा हमारे चैनल का मायने है जो थोड़ा घना आबा लग जाए जरा। हाँ तब तेरा यूट्यूब चैनल चलने लग जाए ना तब दे देना। तो अब तुम दोनों में क्या सुलह हुई है, चलना है या नहीं चलना है, या फिर ऐसे बैठ के तुम लोगों की बहस सुनते रहेंगे? तुम प्यार तुम्हारे... करते हो या लड़ाई करते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। नहीं कर रहा हूँ, प्यार तो करना पड़े यार। मुझे लग तो नहीं रहा किसी एंगल से कि तुम दोनों प्यार करते हो। बाबू कर रहे ना प्यार? हाँ करती तो हूँ, पर है ना आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो बस। तो यार तुम्हारे चक्कर में हम और लेट हो रहे हैं, अब तक हम निकल जाते घूमने। चल खर्चे की गारंटी ले रहा फुल? हाँ मैं ले रहा हूँ। चल मैं चाल बने तैयार जो मैंने, पर बटा ज्यादा बटा चाल है। तू कह रहे हो भाई बेरिंग एरिंग रियान का लिया, कौन कर लो मारे मारे तुम्हारे गैस कट फाटी उठो। से बेरिंग की नहीं कह रही हूँ मैं आपसे, तो इयरिंग। अच्छा कांडम पेर बागा केड़ा? हाँ जो है तो 10-15 रुपए का है तो दिला दे ला। अरे सब मिल जाएंगे यार, चले और गाड़ी उस दिलराज के लेके चलेंगे जो जयपुर तक, तो वो छोड़ देगा। हाँ यार एयरिंग तो ठीक है, पर यार बेरिंग कलवा तो यार पहली मत हो जो मैं ट्रैक्टर के ट्रॉली के मैंने बेरिंग कलवाया हो 1200 में 8000 का पड़िया जा। अरे वो एयरिंग ही बोल रही है यार, तेरे समझने में फर्क है, और गाड़ी उस दिलराज की मंगा लेता हूँ जो जयपुर तक, वो छोड़ देगा फ्लेट तक। यार बिकाड़े तो तेल ही नरों का वजह यार। अरे उसकी तू क्यों टेंशन ले रहा, दिलराज बढ़िया मित्र है मेरा यार। दिलराज गोड का नाम नहीं सुना क्या तूने? अच्छा अच्छा वो रिमिक्स करता है जो वही उसकी गाड़ी आ रही है। तो बाबू चलेंगे हम गोडी में? अरे ओडी में। हाँ पर ना जयपुर तक ही चलूंगी मैं, फिर तो है ना फ्लाइट से चलेंगे। हाँ फ्लाइट से ही चलेंगे मैडम, आप यहाँ से तो चलो यार। आज जो फ्लाइट के मायने रोटियां वोटियां यहाँ की मिले ना, मन भूख लग रही है यार, मैं गरम खाई होगी को ना। यार पप्पू तू क्यों कॉमेडी कर रहा है बार बार, मेरा आधा सिर तो तू खा जाता है यार, मैं कहाँ से दिमाग लगाऊं? अरे यार भाई दादा भाई मैं तने दे साहब बताऊ, मैं उलझ गई जाने, मैं प्यार कर रही हूँ उलझ के पाई के सुगन मने ये थ्राणु रहता हूँ ना दादा भाई। एक दिन बटा कांटन भी किसी दुकान के ऊपर लेर गई 60 रुपये की, तो चॉकलेट खाई थी। अब चुप रह ना, चलो अनिता चलते हैं। हाँ चलते हैं, टाइम हो गया। चलो ब्याह कन्नु पड़े लो घुमा बात लेर जा रही है। कॉल कर देता हूँ दिलराज को। अरे यार पप्पू सीधा बैठना, ऐसे क्या कर रहा है यार तू, पूरी सीट को आराम से बैठ जाने। अरे रे भाई किस को रे खेत ही नीचे ना छोटा छोटा देखभाल आ गया, आप कतरे ऊंची जा लिया। ये तो चलेगी अभी अभी, बस ये लेवल में ही चलेगी फिर उतर जाएगी नीचे। अरे रे मावी रे मकड़ा खेत कमाने देख खेल डो चल रही हो यार। अरे यार अनिता तुम समझाओ इसको यार। अरे यार ये तुम्हारे दोस्त गंवार ही दिखे बिल्कुल ही, कोई मैनर्स ही नहीं इनमें, इनको बोलो सीट बेल्ट लगा के बैठे ढंग से। तभी तो लड़का लेकिन अच्छा है मेहनती है। बुगा तो मन घाटो पकड़ ले। अरे बेबी चुप रहो ना, चुपचाप करके बैठने नहीं आता है क्या तुम्हें? ये बूंटे बूंटे बाड़ा की छोरियां कटा कीजिए। अरे बेबी चुप हो जाओ ना तुम, मुझे तो एरोप्लेन का मजा लेने दो। नहीं नीचे देखो ना, देखो मालू डोगरो दिख रही होगी ग्रंग माई। बाबू मेरी बात सुनो, ये आपके दोस्त को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सामने एरो होस्टेस आ रही, उसको बोलो कि ये उनसे बोले जो भी बोलना है। चुप रहो वो आ गए। अच्छा अच्छा वो कौन आ गयो थोड़ा थोड़ा मुंडा को? अरे बेबी चुप रहो। चल चुप हो गयो।